नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर महाराजगंज से सामने आ रही है। बुद्ध स्थली पहुंचे डिप्टी सीएम, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को किया नमन, प्रतिमा को अपने अंगोछे से किया साफ, ब्रजेश पाठक ने पुष्प किए अर्पित, दर्शन के बाद की डिप्टी सीएम ने मीटिंग। महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भगवान बुद्ध की स्थली का दौरा किया है और वहां पर उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नमन किया, अपने अंगोछे से उन्होंने प्रतिमा को साफ किया और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली। महाराजगंज की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महाराजगंज का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नमन किया। डिप्टी सीएम ने अपने अंगोछे से भगवान बुद्ध की प्रतिमा को साफ किया और इसके बाद उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली। हम सबको शांति का संदेश दिया है। महाराजगंज जनपद में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की योजनाएं हैं, उनको धरातल पर बिंदुवार आज समीक्षा की गई है। कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में महाराजगंज ने डेवलपमेंट के मामले में कई विभागों ने अच्छा काम किया है, उनकी सराहना हुई है। जैसे बेसिक शिक्षा में, ग्राम सचिवालय में बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके साथ साथ मनरेगा पार्क के रूप में जो डेवलपमेंट महाराजगंज जनपद ने दिखाया है करकट के, बहुत ही उल्लेखनीय है। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में ये मॉडल बनेगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत तरीके से भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की, साथ ही दीप प्रज्वलित कर माला और चीवर भी अर्पित किया। इसी के साथ ही उन्होंने कसिया कसाडा भवन में निर्मित मीटिंग हॉल का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभागीय कार्यों पर चर्चा की। डिप्टी सीएम ने शौचालय निर्माण की प्रगति को जाना, साथ ही हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया और जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मरीजों से मुलाकात की और मरीजों का भी हाल जाना। अपने ताबड़तोड़ निरीक्षणों की कड़ी में ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग हॉस्टल और हॉस्पिटल भवन निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दतिया में मां पीतंबरा के दर्शन करने के बाद झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पिछले दिनों लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर की गई टिप्पणी पर पलटवार कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो सभी ये जान ले कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी हो या बदमाश, उनकी सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी। उनकी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, पूजा नहीं होती। अखिलेश यादव अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के सरगना हैं। उनकी ओर से इस तरीके का बयान आना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वे रोज इस तरीके के बयान देते हैं। वे अगर अपराधियों का साथ छोड़ दे तो उनके पास ऐसा कोई भी विरोधी मुद्दा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी होगा, कोई भी माफिया होगा, हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं होती है, नंबर एक। और श्री अखिलेश यादव जी चूंकि अपराधियों के सरगना है, माफियाओं के सरगना है, दंगाइयों के सरगना है, तो उनके द्वारा इस प्रकार के बयान आना कोई मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता। वो रोज अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। थाना सेक्टर 63 पुलिस को मिली कामयाबी, अंतरराज्यीय पशु चोरों को किया गिरफ्तार, 2 315 बोर के तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना सेक्टर 63 पुलिस को मिली कामयाबी, अंतरराज्यीय पशु चोरों को किया गिरफ्तार, 2 315 बोर के तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें नोएडा सेक्टर 63 थाने की पुलिस ने अंतरराज्यीय पशु चोरों को गिरफ्तार किया है। पशु चोरों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे मिले हैं, 3 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद हुआ है। वहीं बदायूं में गैंगस्टर चंद्रसेन की संपत्ति पर योगी सरकार का हंटर चला है। मामला थाना
मुजरिया के ग्राम बक्सर का है, जहां पर गैंगस्टर चंद्रसेन की 18,65,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। जब से योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई है, तब से गुंडे माफियाओं के खिलाफ सरकार का रवैया सख्त रहा है। चाहे वो छोटा अपराधी हो या बड़ा, योगी सरकार में सख्त आदेश है कि गुंडे माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। इसी सिलसिले में बदायूं जिलाधिकारी के आदेश पर थाना मुजरिया की ओर से गैंगस्टर चंद्रसेन की थाना सहसवान में 18,65,000 रुपए की अचल संपत्ति को जब्त किया गया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है। टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत, पुलिस अधीक्षक ने की प्रोजेक्ट की शुरुआत। थानावार जगह चिन्हित कर लगवाए जाएंगे बॉक्स, फरियादी लिखकर डाल सकते हैं समस्याएं। एसपी ऑफिस से डायरेक्ट कनेक्ट होगा बॉक्स, पहले फेज में लगाए जाएंगे 20 बॉक्स। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत, पुलिस अधीक्षक ने की प्रोजेक्ट की शुरुआत। थानावार जगह चिन्हित कर लगाए जाएंगे बॉक्स, फरियादी लिखकर डाल सकते हैं समस्याएं। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर कन्नौज में एसपी की ओर से टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और इस प्रोजेक्ट के तहत फरियादी सीधे एसपी को अपनी समस्याएं बता सकते हैं। कन्नौज के एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आम जनता के फीडबैक पर शुरू किया जा रहा है। इसका नाम है टॉक टू योर एसपी, यानी कि पुलिस अधीक्षक से बात करें। इसके तहत कुछ बॉक्सेस महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज पुलिस ऑफिस से की गई है। इन बॉक्सेस के माध्यम से आम जनता कोई भी सूचना, अपनी कोई भी समस्या या किसी प्रकार की कोई गोपनीय सूचना इस बॉक्स में डाल के पुलिस अधीक्षक तक, जनपद कन्नौज पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें सेम डे इसको संज्ञान में लेके 3 दिवस के भीतर कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा। वही बुलंदशहर देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कंपनी मैनेजर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। बता दें कि कामा ट्रांसपोर्टर सॉल्यूशन लिमिटेड के गोदाम में बीते दिन लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चोरी किया गया था। जानकारी के मुताबिक डुप्लीकेट चाबी से गोदाम का ताला खोलकर लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चोरी कर चोर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मैनेजर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और वहीं तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक गोडाउन था, जिसमें कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स स्टोर किए गए थे। इसमें चोरी हुई थी और जिसमें कि वहां पे स्टोर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम गायब हुआ था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जब विवेचना की गई तो आज उसी क्रम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है। बीमा अभिकर्ताओं का धरना, 41 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। छिबरामऊ स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा पर धरना, काली पट्टी बांध कर दिया किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों का किया विरोध, सरकार की नीतियां एजेंट और धारकों के खिलाफ। मांगे पूरी ना होने तक धरने की दी चेतावनी। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीमा अभिकर्ताओं का धरना चल रहा है कन्नौज में, 41 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। छिबरामऊ स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा पर बीमा अभिकर्ताओं ने धरना दिया है। काली पट्टी बांधकर अभिकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध बीमा एजेंट कर रहे हैं। बीमा एजेंट्स का कहना है कि सरकार की नीतियां एजेंट और धारकों के खिलाफ है। सरकार
सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, वित्त मंत्री दे रहे हैं, हमारी बागे चल रही है, कर्ताओं के इतने मांगे हैं, पार्टी इतने मांगे हैं, हमारी पार्टियों के लिए जो बोनस रेट है वो बढ़ाया जाए, अभी तक कोई भी बोनस रेट नहीं बढ़ाया गया, लगातार कम हो रहा है, और उसकी जो विलंब शुल्क है उस पर भी GST ली जाती है, GST कम की जाए, अब कर्ताओं की GST का बढ़ाई है, अब कर्ता का मेडिक्लेम बढ़ाया जाए, साथ में उनके बच्चे सेटेलाइट ऑफिस शिवरामू में धरना दे रहे हैं और 1 सितम्बर से धरना दे रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं हमारा बोनस जनता का जो बोनस है वो बढ़ना चाहिए और एजेंट को जो कमीशन से लेके रिलेटेड है उसको। वहीं जम्मू कश्मीर में तैनात कन्नौज के लाल धर्मेंद्र दुबे देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। धर्मेंद्र सेना में सूबेदार की पद पर तैनात थे और कन्नौज जिले के छिबरामऊ तहसील के अकबरपुर गांव के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर सेना की गाड़ी से पैतृक गांव अकबरपुर लाया गया, जहां पर सेना के जवान के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वही जवान के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। शहीद जवान धर्मेंद्र दुबे के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ सिंघी रामपुर गंगा घाट पर किया गया। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को लाने वाले सेना के जवानों ने बताया कि वो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान काफी बीमार पड़ गए, जिसके बाद कई महीने तक सेना के अस्पताल में धर्मेंद्र का इलाज चला। शहीद सूबेदार धर्मेंद्र दुबे 2002 में सेना में हवलदार के पद पर तैनात हुए थे। 2022 में उनको बीमारी ने जकड़ लिया और लखनऊ के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं लखनऊ के शहादतगंज में एक नई पहल देखने को मिली। जिस तरह नवरात्र के समय पूरे देश में दुर्गा पूजा अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, उसी तरह दिन रात काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, एक अलग अंदाज में माता की पूजा करते हैं। वे नवरात्र के सारे दिन पूजा और अर्चना में बिता देते हैं और अपने अपने तरीके से दुर्गा पूजा को करते हैं। शहादतगंज में छत्तीसगढ़ के लोग 9 दिन तक अपने सभी काम छोड़कर पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि का त्यौहार चालू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि पूरे देश में नवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, इसलिए लोग अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। आज लखनऊ के शहादतगंज क्षेत्र में है और यहाँ की खासियत आपको ये बताएंगे कि आप देख सकते हैं कि कलश स्थापना और मूर्ति स्थापना यहाँ पर की गई है और खासियत ये है कि जिस तरीके से बताया जाता है ना, हर एक व्यक्ति की श्रद्धा करने का अपना एक तरीका होता है, उसी तरह बिलासपुर के छत्तीसगढ़ के लोग रहने वाले उत्तराखंड के कीर्तन भजन यहाँ पर लगातार कर रहे हैं और जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो पेटी करते हैं, लोगों का घर बनाते हैं और यहाँ पर लगातार पिछले 12 सालों से मूर्ति की स्थापना लगातार लोग कराते हैं और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं जो उनकी पूरी मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि ये कब से हो रहा है। भाई साहब, यहाँ पर जो ये छत्तीसगढ़ के लोग मूर्ति की स्थापना करते हैं उसको मतलब लगभग कितना टाइम हो गया है? तो करीब 12 से 15 साल हो रहे हैं, 12 से 15 साल हो रहे हैं इसको, और ये पहले बड़ी छोटी सी पूजा होती थी, अब धीरे धीरे इसको थोड़ा सा बड़ा रूप दे दिया गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा रूप दे दिया गया है। हम लोग उसमें थोड़ा शामिल हो गए, इनको मनोबल बढ़ा, साथ हमको भी अच्छा लगा कि इनके लिए हम कुछ कर पाए, माता गांधी की सेवा कर पाए। ये जगह खासतौर पर दिखाने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि आप जानते हैं कि पूजा अर्चना लोग अच्छे अच्छे तरीके से करते हैं। लखनऊ में आपको लखनऊ के लोग, दिल्ली के लोग, मुंबई में मुंबई के लोग और जो लोग राज होते हैं यहाँ पर वहाँ के लोग पूजा करते नजर आए थे, लेकिन खासतौर से ये जगह चर्चा इसलिए है कि छत्तीसगढ़ के लोग लेबरिंग करते हैं, लोगों का घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं और इसी समय माता रानी की आराधना में जिस तरह देख सकते हैं किस तरह लोग इस तरह से पूजा पाठ भक्ति में विलीन नजर आ रहे हैं और इनके लिए कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो इनकी मदद करते हैं और लगभग पिछले 12 सालों से माता रानी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जैसे माँ काली की प्रतिमा भी यहाँ पर है, लोग लगातार आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ अरेंजमेंट कराने वाले लोगों से भी हमने बात कराई,
मुख्य जो लोग हैं जो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं और लगभग 12 साल से झांकी को यहाँ पर कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ इस समय घनश्याम जी हैं जो कि बिलासपुर के रहने वाले हैं और लखनऊ में एक लंबा समय काट चुके हैं और पूरी तरह से यहाँ का जितना भी कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं मैनेज करा के और सब लोगों को बुला के करवाते हैं। घनश्याम जी, ये कार्यक्रम लगभग कई सालों से हो रहा है? घनश्याम 1617। तो यहाँ लगभग जो आपकी पूरी एक यूनिट है छत्तीसगढ़ की, तो ये पूरी छत्तीसगढ़ के ही लोग यहाँ? जी जी, पूरा पूरा। अच्छा, तो लगभग इसको कराते कराते 16 साल हो गए, क्या क्या कार्यक्रम उसमें रखते हैं आप पूरे नौ? उसमें जवाबी कीर्तन भी रखा है, जागरण भी रखे है, कठपुतली भी रखा है, जादू का कार्यक्रम रखा है, झांकी का भी कार्यक्रम रखा है और सेवा का अपने माता जी का सेवा का कार्यक्रम लगा। आपका शुभ नाम क्या है? है? आपका शुभ नाम क्या है? हमारे नाम मनोज। तो ये पूजा यहाँ का जो करवा रहे हैं उसमें आप क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे? हाँ हाँ, हम तो जानते हैं 2016 से हम यहाँ उपस्थित है, हम शुरुआत में जो है करते आए हैं, हमको यहाँ माँ के दरबार में रहते हैं बहुत सहयोग मिला और हम लोग हमारा खास राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ 30-32 साल हो। जैसे आप देख सकते हैं कि एक अनोखी चीज देखने को मिली है लखनऊ के शहादतगंज में कि जिस तरह पूजा पाठ अर्चना सभी लोग कराते हैं अपने अपने तरीके से, हर प्रदेश में अपने तरीके से प्रदेशवासी मिलेंगे, उसी तरह हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की खास परंपरा के तौर पर यहाँ पर पिछले 16 सालों से ये मूर्ति स्थापित की जाती है हर साल और छत्तीसगढ़ के जितने भी लेबर लोग होते हैं और जितने भी यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं ये सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और इकट्ठा होकर अपनी हिसाब से माता रानी के चरणों में समय देते हैं और पूजा पाठ अर्चना करते हैं, जिसमें खुद घनश्याम जी अभी बताए कि जिस तरीके से इन लोगों की एक अपनी खुद की यूनिट है और ये लोग मिलजुल कर उसको पूरी तरीके से हर साल बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर लखनऊ। वहीं महाराजगंज में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्लोबल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शख्स को 4 दिन पहले ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं परिजन शव को अस्पताल में रखकर ही कार्रवाई की मांग करने लगे। मामला हमारा यह है जौन बा कि हमारे पिताजी को जौन बा ये लोग भर्ती जबरदस्ती करके जो है आज चार दिन हो गया पिताजी को भर्ती किए। अब दिखाने के लिए छोटा भाई मेरा लाया था जौन बा कि थोड़ा हल्का फुल्का जुकाम था दिखा दें, उसके बाद जो है भर्ती कर लिए। आज चार दिन हो गया और 2 दिन से हम कह रहे हैं कि हमारे पिताजी का तबीयत सीरियस हो रहा होता जा रहा है, आप छोड़ दीजिए जौन बा, हम गोरखपुर ले जाएंगे दिखाएंगे। ये लोग जबरदस्ती दवा करके आज मेरे पिताजी को जौन बा मार डाले। वही खबर हमीरपुर के सरीला कस्बे की है, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी पंचमी पर मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ नगर के प्राचीन बड़ी माता मंदिर से किया गया। शोभा यात्रा में शामिल शिक्षण संस्थानों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। जुलूस मार्ग से निकाली गई शोभा यात्रा देर रात बड़ी माता मंदिर पहुंचने पर महाआरती के बाद समापन किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद सदस्य तनवीर रिजवी के बरेली दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके अंतर्गत न्यू धनवंतरी हॉस्पिटल पर सेवा पखवाड़े के तहत मरीजों को फल बांटे गए, फिर बाकरगंज के मदरसा जामिया नूरिया रिजविया में पौधारोपण किया गया और मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं से मुलाकात की। साथ ही जगतपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से किए गए मुस्लिम सम्मेलन में आए हजारों मुस्लिम महिला और पुरुषों को उन्होंने संबोधित किया और कल्याण समिति अध्यक्ष रईस अहमद की कार्यालय का भी उद्घाटन किया। एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, हमारे उत्तर प्रदेश में ये 75 जिलों में अगर आप मदरसों की संख्या देखेंगे, रजिस्टर्ड मदरसे जो है वो करीब करीब 17,000 मदरसे ऐसे जो हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड, और मुझे लगता है कि इसी की तुलना में ऐसे भी मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और चल रहे हैं।
तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने मदरसे हैं जो संचालित हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, क्योंकि मान्यता प्राप्त की सूची तो हमारे पास है, गैर मान्यता प्राप्त की सूची हम तैयार करेंगे। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है, जिससे मुस्लिम समाज में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जुमे की नमाज के में बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने आते हैं। दरअसल सरकार के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ना मना हो गया है। इसी को लेकर आगरा की नहर वाली मस्जिद कमेटी के हाजी इकबाल ने लोगों से अपील की है कि अगर जुमे की नमाज में ज्यादा नमाजी होंगे तो दो शिफ्ट में नमाज अदा कराई जाएगी, जिससे सरकार के आदेश का पालन हो सके। अब तक चलेगी का मसला नहीं है, शुरू कर दी इंशाल्लाह इसको दो शिफ्ट में, और इस वजह से शुरू किया है ये कि चूँकि सरकार की तरफ से भी पाबंदी है कि सड़क पे नमाज ना हो, हमारे वहाँ नमाजी ज़्यादा हैं और जगह हमारे पास कम है। इसमें ऊपर नीचे जो जगह नमाज होती थी तो ऊपर ख़वातीन थी और नीचे मर्द, और जगह कम होने की वजह से मर्द हजरात जो है वो सड़क पर बाहर आ जाते थे। जब बंदिश लगी तो हमने बाहर सड़क पर नमाज पढ़नी के लिए लोगों को मना कर दिया, बंद कर दिया, किया गया था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो लोग ज़्यादा हो रहे थे तो दो शिफ्टों में नमाज कर दी, यानी दो बार नमाज होती है, एक बार नमाज 12:50 पर होती है और दूसरी नमाज 1:35 पर होती है। कब से पढ़ाई जा रही है दो शिफ्टों में नमाज, क्या ऐसे नमाज हो जाएगी? नहीं, ये दो जुमे हो गए, ये नमाज हो रही है दो बार और हो जाएगी नमाज, हो जाएगी जी, हो जाएगी नमाज। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, नमाज को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट, शाही जमा मस्जिद में पुलिस को मिले डंडे, मस्जिद में डंडे मिलने से मचा हड़कंप, 12 वफात में झंडों के लिए डंडे जुटाने की जानकारी, पुलिस ने गंभीरता देखते हुए डंडे किए जब्त, आगरा की शाही जमा मस्जिद का मामला। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा, शाही जमा मस्जिद में डंडे मिलने से हड़कंप मच गया। आगरा की यह तस्वीरें हैं शाही जमा मस्जिद की, जहां पर डंडे मिले जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया, 12 वफात में झंडों के लिए डंडे जुटाने की जानकारी दी गई प्रशासन को और पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए डंडे जब्त कर लिए। आगरा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और आज शुक्रवार की नमाज है, सभी जगह फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और अभी तक की सूचना के मुताबिक सभी जगह आगरा में सकुशल नमाज संपन्न हो गया है और यहाँ जामा मस्जिद पर मैं स्वयं मौजूद हूँ और यहाँ भी नमाज सकुशल संपन्न हो गया है, इसी तरह का कोई बदल नहीं आया है। और जिन डंडों की बात आप कर रहे हैं तो मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया गया तो ये पता चला है कि 12 वफात आने वाला है, उसके लिए ये लोग अपने झंडे लगाते हैं। वहीं बरेली में क्षय रोग केंद्र पर निक्षय मित्र को सम्मानित किया गया, बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने उसको सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में 20 क्षय रोगियों को गोद लिया गया, इन सभी रोगियों को पोषण वितरित किया गया। इस दौरान मंत्री अरुण कुमार ने निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ जंग को मजबूती देने का आह्वान किया, साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने सम्मिलित प्रयासों से पोलियो और कोरोना के खिलाफ जंग जीती है और टीबी के खिलाफ जंग को जीतने के लिए सम्मिलित प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा कि पहले परिवार में उनको टीबी हो जाती थी, उन्हें घर से अलग कमरे में रख दिया जाता था, अब मरीजों के साथ स्वास्थ्य विभाग खड़ा है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो।
वही खबर बदायूं से है, जहां पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने परेड की सलामी ली। साथ ही परेड का संचालन क्षेत्राधिकारी उजानी शक्ति सिंह की तरफ से किया गया। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक मोहम्मद हकीमुद्दीन और समस्त शाखा प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी परेड में मौजूद रहे। परेड की सलामी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परेड निरीक्षण के बाद पुलिस लाइन परिसर में क्वार्टर गार्ड, कंट्रोल रूम, डायल 112 रूम, रेडियो शाखा, नवनिर्मित बिल्डिंग, मैस, बाथरूम, पुलिस कैंटीन जैसे कई जगहों का निरीक्षण किया और उनको चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए निर्देशित किए। खबर बदायूं से है, जहां पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने परेड की सलामी ली। साथ ही परेड का संचालन क्षेत्राधिकारी उजानी शक्ति सिंह की तरफ से किया गया। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक मोहम्मद हकीमुद्दीन और समस्त शाखा प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी परेड में मौजूद रहे। परेड की सलामी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।